नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे जो लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा है, जो अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई है, उसको आप कैसे आसानी से पास कर सकते हो और उसके लिए पद आप हासिल कर सकते हो, इसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। दोस्तों, हम लैब असिस्टेंट परीक्षा 2018 के लिए अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट के फॉर्म भरवा लिए। अब इसके लिए जो परीक्षा होगी वो लगभग अक्टूबर नवंबर में होगी। तो मित्रों, मैं आपको एक नया अपडेट दे रहा हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए कि आप किस प्रकार लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकते हैं व इस पद को आप हासिल भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए जो पहले भर्ती परीक्षा जो पिछले वर्ष भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें क्या हुआ था कि लोगों के इसमें 40% अनिवार्य थे, यानी 40% इसमें अनिवार्य थे। इसके सिलेबस में राजस्थान जीके प्लस जो साइंस आती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो उसमें दोनों पार्ट में अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उनमें 300 नंबर का पूरा होता है, तो उनमें 200 होते हैं वो साइंस के और 100 होते हैं वो जीके के होते हैं। उनमें दोनों में 40-40% अभ्यर्थी, जिस अभ्यर्थी के आगे यानी पूरे 40% आगे दोनों को मिलाकर उसका सिलेक्शन पक्का है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि जिसके 40% थे वो इसमें पास हो गया। तो मित्रों, आपको टारगेट 40% तो करना ही होगा, जो ऑल ओवर 40% तो लाना ही होगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मित्रों, यह बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि इस भर्ती में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, तो आप 40% पर ध्यान दीजिएगा और 40% का आप टारगेट मानिएगा, तो आप इसमें आसानी से इसको पास कर सकते हो और आप इसमें सफलतापूर्वक पद को हासिल कर सकते हो। तो ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।